नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। सर्वप्रथम आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन लोगों ने कमेंट कर व्हाट्सएप पर मैसेज कर और मुझे कॉल कर जो भविष्यवाणी कल सत्य हुई है उसके लिए शुभकामनाएं दी, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया, उन सभी लोगों का तह दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ समय से जितने भी लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन सभी लोगों को पता है कि वर्तमान समय में जो महामारी हमारे देश में बनी हुई है इससे संबंधित जानकारियां ही मैं अब तक पहुंचा रहा हूं। अभी तक मैं आपको 6 भविष्यवाणियां दे चुका हूं, उनमें से 3 भविष्यवाणियां सत्य भी हुई है। किंतु आज आपके सामने मैं ये सब नहीं बताने आया हूं, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगे। मित्रों, वर्तमान समय में जो महामारी चल रही है इससे संबंधित जितने भी वीडियो मैंने आज तक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उन सभी में एक बात मैंने आपको बार बार नोटिस करवाई है कि 14 अप्रैल से ग्रह योगों की स्थितियां हमारे पक्ष में आती हुई दिखाई देगी और जैसे जैसे समय ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी हमें मिलता जाएगा। और अब मैं आज आपके सामने यही निवेदन करने आया हूं कि जो सेकेंड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कल हमारे देश में हुआ है इसका यदि हम सख्तता से नियमबद्धता का ध्यान करते हुए सेकेंड लॉकडाउन का पालन करते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं इस चेन को तोड़ने के अंदर हम 100% सफल हो जाएंगे। मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर भी कहा था कि यदि सेकेंड लॉकडाउन के अंदर प्रजा ने राजा का साथ दिया तो निश्चित रूप से यह सेकेंड लॉकडाउन आपके सामने सफल साबित होगा। सभी धर्म के लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि सेकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। अब आपके कुछ कमेंट भी मैं वीडियो के अंदर देख रहा था जिसमें आपने लिखा है कि 14 अप्रैल से आप तो कह रहे थे कि ये स्थितियां पक्ष में आएगी किंतु सडन ऑफ केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। यह स्थिति तो आपको भी पता है कि कल 14 अप्रैल थी और 14 अप्रैल को ही ये लोग संक्रमित हुए और 14 अप्रैल को ही सामने आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सभी विशेषज्ञों का यही कहना है कि 14-15 दिन के पश्चात किसी भी व्यक्ति को यह पता पड़ता है कि मेरे अंदर यह संक्रमण फैल चुका है और वही लोग आपके सामने आ रहे हैं। तो जितने भी लोगों के अंदर यह संक्रमण पिछले समय में फैल चुका है उन लोगों का सामने आना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि एक भी व्यक्ति हमारे इलाके में हमारे शहर के अंदर बच गया है तो वह काफी है वापस इस महामारी को पुनः संक्रमित करने के लिए। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान समय में केसेस सामने आ रहे हैं इसे भी आप पॉजिटिव लीजिए कि यह भी ग्रह युगों की स्थितियां हैं कि जितने भी लोग पिछले समय में संक्रमित हो चुके हैं वो सभी लोग सामने आ जाए, क्योंकि पिछले समय में बहुत से लोगों ने छुपने का भी प्रयास किया है, वह सभी लोग सामने आ जाए, इस संक्रमण की चेन तोड़ने के अंदर हम सफल हो जाए। तो यह स्थिति भी पूर्णतया हमारे पक्ष में ही बनी हुई है। जब तक यदि एक व्यक्ति भी रह जाता है तो पुनः यह संक्रमण फैलने की बहुत अधिक आशंका रहेगी। अब आप देखेंगे सूर्य देव ने अपनी उच्चस्थ राशि के अंदर प्रवेश किया है, गर्मी और तेजी से बढ़ेगी और विशेषज्ञों का कहना है जितनी तेजी से भारत में गर्मी बनेगी ये संक्रमण शांत होने की उतनी ही अधिक आशंका रहेगी। तो यह स्थितियां पूर्णतया हमारे पक्ष में बनकर आएगी। आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने मन में मत लाइए, ग्रह योगों से संबंधित जितनी भी पॉजिटिविटी होती है वह मैं आपको प्रदान करने का प्रयास करता हूं, उसे आप गेन भी कर रहे हैं, आपके कमेंट से मुझे पता पड़ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये स्थितियां पूर्ण रूप से हमारे पक्ष में भी आएगी। मैंने जो कल 10 बजे की कुंडली का आपको विश्लेषण दिया उसमें आपको बताया था कि वर्तमान समय के अंदर बुध देव नीचस्थ होकर जनता भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो सेकंड लॉकडाउन होगा इसमें सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं कल जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ बॉम्बे के अंदर एक साथ हजारों लोग इकट्ठे हो गए, किंतु हमारे हाथ से स्थिति नहीं जाएगी ये भी मैंने आपको बोला था और आपने देखा होगा कि कुछ ही देर के अंदर उन लोगों को छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो ये स्थितियां हमें आगे भी देखने को मिल सकती है किंतु स्थितियां सदैव हमारे पक्ष में बनी रहेगी। ये सेकंड लॉकडाउन पूर्ण रूप से सफल होगा किंतु हमें आवश्यकता है तो हमारे राजा की प्रजा का कर्तव्य समझते हुए सेकंड लॉकडाउन के अंदर जितना संभव हो सकता है उतना सख्ती से नियमों का पालन करें, निश्चित रूप से ये लॉकडाउन हमारे पक्ष में दिखाई देगा। और पुनः आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सेकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने के अंदर भारत का साथ दें, क्योंकि ये सेकेंड लॉकडाउन सफल होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के